एसी जनरेटर या डायनमो, एसी जनरेटर या डायनमो क्या डिवाइस है? ये एक मशीन है जो क्या प्रोड्यूस करती है? ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती है। कहाँ से? मैकेनिकल एनर्जी से, क्योंकि वो कॉयल को घुमाना होता है। कैसे? वो पानी डैम से गिरता है, टर्बाइन घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है कॉयल्स, करंट पैदा होता है। तो ये एसी जनरेटर या डायनमो है। प्रिंसिपल एसी डायनमो या जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। क्या है ईएमआई? व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल चेंजेस, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल। हमने किया था ईएमआई का प्रिंसिपल। फिर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले इस डायग्राम को जरा ध्यान से देख लो। कंस्ट्रक्शन में ये आपका एक कॉयल है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये कॉयल है, मैग्नेट्स हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉयल पड़ा हुआ है, ये घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा ताकि इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो। इसके अंदर नीचे दो रिंग्स लगे हुए हैं, रिंग। इन रिंग्स का नाम है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्यों नाम है? इसलिए क्योंकि ये जो वायर देख रहे हो, ये वायर यहाँ से यहाँ इसके ऊपर लगी हुई है और ये रिंग के ऊपर रोटेट कर सकती है बिना टूटे। रिंग जितनी तेज ये घूमेगा, ये वायर देखो ना, जब ये इधर पलट के जाएगा तो वायर पूरी की पूरी इधर जाएगी, तो ये वाली वायर यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी, घूमती हुई यहाँ घूम सकती है रिंग के ऊपर। सिमिलरली ये जो वायर है, ये वाला हिस्सा है, ये नीचे कनेक्टेड है ऐसे, ये भी घूम सकता है। तो बेसिकली ये कॉयल है, इस कॉयल के साथ जो दो वायर के हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ पर है और दूसरा हिस्सा नीचे रिंग पे है। यहाँ पर दो मेटल के ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश करंट को बाहर निकाल के देते हैं, तो जो भी रिंग में करंट होगा वो यहाँ से निकल के यहाँ या यहाँ से निकल के यहाँ आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जो वायर के कनेक्शन देख लिए, कनेक्शन ये वाली वायर ऊपर रिंग के साथ कनेक्टेड है और ये वाला हिस्सा इसका नीचे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है यहाँ तक? अब शुरू करते हैं। सपोज ये कॉयल ऐसे रोटेट करती है, करेक्शन कर लेना, ये कॉयल ऐसे रोटेट कर रही है, ए बी पोर्शन बोर्ड के अंदर जा रहा है, सी डी पोर्शन बोर्ड के बाहर आ रहा है। करें स्टार्ट। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी कहां पर है? नॉर्थ से साउथ। ये हिस्सा कहां जा रहा है? बोर्ड के अंदर। तो थंब कहां है? बोर्ड के अंदर। करंट कहां आएगा? ऊपर। बी, थंब, बोर्ड के अंदर, करंट ऊपर। तो करंट कहां पर है? ऊपर। ये करंट आया, ये करंट आया, ये करंट आया, ये करंट आया और ये सीधा नीचे चला गया। ये यहां वायर रिंग के साथ कनेक्टेड है, यहां से करंट रिंग में घूमेगा, ब्रश बाहर निकालेगा, करंट यहां से आता हुआ इस ब्रश में एंटर करता हुआ इस वायर के अंदर जाता हुआ ये चला गया। सर्किट कंप्लीट हो गया। फिर चेक कर लो, यहां से करंट जनरेट हुआ, सबसे पहले नीचे वाली वायर में गया, बाहर आया, ऊपर वाले ब्रश में गया, इस वायर से होता हुआ यहां चला गया। कोई डाउट इसमें? चेक करो डायग्राम। तो क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि करंट जो है इधर जा रहा है, ये इंड्यूस करंट है, अपना सर्किट तो कंप्लीट करेगा ना। तो यहाँ से गया तो पहले सीधा नीचे गया, यहाँ से आया, फिर इस ब्रश में गया, इस वायर को ये सर्किट कंप्लीट कर गया। ठीक। और ये जो रेजिस्टेंस है नीचे, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, एक ही बात है, आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। इसका क्या पर्पज है? जब जनरेटर ने करंट बाहर निकाल दिया, अब मैं अपना एक बल्ब लूंगा जो मैं ऑन तो करूंगा बिजली के सामान तो चलूंगा, तो मैं उस बल्ब को लूंगा और इसके साथ पैरेलल में लगा दूंगा बल्ब, पैरेलल में, क्योंकि जितना भी यहां जनरेट होगा उतना भी मेरे बल्ब को मिल जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अच्छा, 100 बल्ब है, कोई बात नहीं, 100 के 100 बल्ब लेके आओ, सब पैरेलल में लगाते जाओ, डैम पे बिजली पैदा हो ही रही है, सब पैरेलल में लगाते जाओ, सबके सब ऑन हो जाएंगे। सही है ना? तो एक बस करंट बाहर निकाला जनरेटर ने और आप तो सिर्फ बल्ब कह रहे हो, पूरा शहर इसके साथ ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, बिजली है देखो, पूरे शहर में आ रही है।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो पैरल में कनेक्शन देते जाएंगे और वी आगे ट्रांसफर होता जाएगा। अब आप सोचोगे कि पूरे शहर में कैसे आ जाएगा, वी तो कमज़ोर ही पड़ जाएगा। फिर हम बीच में एक और डिवाइस लगाएंगे ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को अप कर देता है, वो अगला पार्ट है इसका। पर अगर मेरे को छोटा मोटा बल्ब लगाना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं या लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से जो भी इक्विपमेंट चलाना चाहते हो पैरल में लगाओ और वो बिजली जनरेट करता जाएगा, पैरल में आप जो ऑन करना चाहते हो कर लो। अब इसके अंदर ये देखो करंट यहाँ पर गया, अब ये एक राउंड हुआ, अब ए बी इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, उल्टा हो गया ये देखो। अब क्या हुआ, जब ये टर्न होगा तो ए बी पोर्शन राइट पे चला गया, सी डी पोर्शन लेफ्ट पे आ गया। समझ में आ रहा है, अभी आधी रोटेशन हुई है। अब इसमें देख लेते हैं, ये देखो इसके अंदर करेक्शन करो प्लीज, करेक्शन वही है, ये लूप ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। अब देखने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात पहली ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, ए बी पोर्शन यहां पे वायर कनेक्टेड थी और जो ये वाला पोर्शन है उसकी वायर यहां कनेक्टेड थी, देख रहे हो इधर और इधर। जब ये पलट गया तो ये वाली वायर इधर चली जाएगी और ये वाली वायर इधर आ जाएगी। चेक कर लो, देखो जो ए बी पोर्शन ऑफ वायर है वो तो इधर आ गया और जो सी डी पोर्शन है वो लेफ्ट में आ गया। चेक करो, बिल्कुल मिरर इमेज है, ये वाला डायग्राम उलट होके यहाँ आ गया। ठीक, तो पहले ये वाली वायर लेफ्ट में है तो ये वाली वायर राइट में आ गई घूम के, क्योंकि पूरा कॉइल घूम गया तो ये वाली वायर भी पलट गई इस तरफ तो रिंग के साथ घूम के आ गई। और ये वाला पोर्शन राइट पे था और यहाँ पर क्या आ गया, लेफ्ट, उल्टा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, अब फिर से ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा, इनसाइड जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बी इधर है, थंब मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट फिर से कैसे पैदा होगा, ऊपर। तो करंट फिर से ऊपर जनरेट हुआ, करंट इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया और फिर इसमें एंटर कर गया। यहां से ये रिंग में घूमा, ब्रश ने करंट को बाहर निकाल दिया, यहां पर आया, यहां पर आया, इस ब्रश में एंटर करता हुआ, रिंग से एंटर होता हुआ, इस वायर में होता हुआ, सर्किट कंप्लीट कर गया। फिर देखो करंट कैसे जा रहा है, ये देखो इसके अंदर ऐसे करंट यहां जनरेट हुआ, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर आया, फिर यहां रिंग में करंट है, इस ब्रश से बाहर आ जाएगा, इधर आया इस ब्रश से होता हुआ वायर मिल गई उसको, ये लो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। और इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्किट तो कंप्लीट हो गया करंट का, पहले राउंड में करंट लेफ्ट है, अगले राउंड में करंट, जो आउटपुट में करंट आ रहा है, एक बार इधर 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 आ रहा है, तो करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज। क्लियर है यहां तक? तो इसकी जब कंस्ट्रक्शन लिखने को आएगी तो आपने लिखना है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर, इसको कॉयल नहीं बोलते, जनरेटर की कॉयल्स को आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स और मेटल के ब्रशेस, चार चीजें अपने वर्ड में लिखो जो लिखना है। डायग्राम दोनों बनाने हैं। वर्किंग अभी की हमने, वर्किंग क्या है, फ्लक्स क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, सर्कुलर मोशन में ओमेगा टी जो अभी हम टॉपिक कर रहे थे सेम है, तो एन बी ए ओमेगा टी। ई एम एफ क्या होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर आ गया, कॉस के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा इधर आ गया, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ई एम एफ, ई नॉट, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी वही टॉपिक कर रहे थे हम इससे पहले, तो ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होगा, इस ई एम एफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तो मैक्सिमम ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। तो ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल वर्किंग वही है जो ई एम आई के अंदर हम कर रहे थे, और इसलिए मैंने जनरेटर साथ करा दिया क्योंकि ई एम आई का टॉपिक तो कर ही लिया, जनरेटर में तो बस एक बताना ही था कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिकल वर्किंग एग्जैक्टली सेम है।